अपनी गाड़ी के लुक देखो यार, कितनी शानदार लग रही है यहाँ पे। इसको देखते ही आइडिया लग जाता है कि भाई बठिंडा आ गया है। इधर काफी अच्छी खासी ठंड देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूँ दीप ढाल और आज निकल रहे हैं हम हमारे नए ट्रिप पे, स्पीति एक्सपेडिशंस पे। काफी दिनों से प्लान चल रहा था स्पीति जाने का और अभी फाइनली सारी तैयारियां हो गई और हम निकल रहे हैं स्पीति, विंटर स्पीति एक्सपेडिशन शुरू कर रहे हैं और इस गाड़ी पे कर रहे हैं, हमारे नए थार पे। तो थार का ये पहला ऑफिशियल बड़ा टूर होगा। अब इसमें आपको देखो, मैं जेरिकन्स माउंट किए, ऊपर रूफ टॉप टेंट आ गया है और ये टेंट आपको उधर ही खोल के बताएंगे अच्छे से। पीछे की साइड में आप देख सकते हो फुल्ली लोडेड गाड़ी। अपनी गाड़ी के लुक देखो यार, कितनी शानदार लग रही है यहाँ पे। तो ये अभी अपनी गाड़ी का हो रहा है पोल्यूशन वहां से। वैसे तो मेरे को बेसिकली आइडिया नहीं है कि इसका मतलब पोल्यूशन कराना चाहिए या नई गाड़ी का नहीं कराना चाहिए, फिर भी यार अदर स्टेट में जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि करा के फिनिश कर। तो ये देखिए बॉर्डर आ गया अपना, यहाँ से ख़त्म होता है राजस्थान और पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है और पंजाब के बैरिकेटिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे, आगे बैरिकेट आ गए हैं। और बस यही है कि राजस्थान में अभी चुनाव चल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही सकता ही है, बाकी पंजाब साइड हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी देखने को। ये हम अभी अबोर के आसपास हैं, अब इसका मैसेज आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा, शायद ये 100 प्लस का होना चाहिए। कुछ कुछ जगह टोल काफ़ी कॉस्टली रहते हैं यार, बाकी अच्छी रोड यूज करोगे तो पे तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल भी दुखता है। डीजल इधर तो यहाँ से टैंक फुल करवाते हैं यार। मैं पहुंच गए अबोर में और गाड़ी की टैंक फुल करवाते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये पंप दिखा मेरे को, क्योंकि इसमें भी लो फ्यूल का वार्निंग आ गया था, तो करवाते हैं। वैसे तो टाइम करीब 2 बजे हैं अभी, 5-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और इधर आगे चल के कट आएगा, हमें इस तरफ टर्न लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाते हैं तो 44.5 लीटर डीजल आ गया है। वैसे कुछ था इसमें ऑलरेडी, ऑटो कट तक ही करवाता हूँ मैं टैंक फुल, क्योंकि उसके बाद में ये ऐसे ऐसे करके गड़बड़ होने लग जाती है, कोई मतलब नहीं है बाद में डलवाने का। जोना बीज रखा है तो ये कुछ जगह है, ये यहाँ से देखते हैं, अगर दही मिलता है तो यार खाना खाते हैं, क्योंकि मम्मी ने साथ डाल दिया था खाना, कहती बाहर से खाने के बजाय घर पे मतलब घर का बना खा लेना, यही तो मम्मियों की खास बात है। हमने अभी मलोट क्रॉस किया है और मलोट के बाद में अभी इस रूट पे आगे चल के गिदड़बाहा आएगा, उसके बाद में बठिंडा आएगा। तो आज मुझे लग रहा है कि रात की 8-8:30 तो बज ही जाएंगे, जितना भी जहाँ तक मुझे लग रहा है, और टाइमिंग तो अभी करीब दोपहर के 3 बजने को आ गए हैं। खाना वाना खा लिया है और अभी निकल रहे हैं आगे, जस्ट थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे बठिंडा आ जाएगा और बठिंडा के बाद में हम आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी वैसे देखा जाए तो ज़्यादा मैंने डिस्टेंस कवर नहीं किया है, 252 किलोमीटर और पड़ा है भाई चंडीगढ़ अभी, जो अपना आज की डेस्टिनेशन रहेगी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के लिए मुझे अभी भी करीब 4-4.5 घंटे और चलना पड़ेगा। बठिंडा पहुंचने से पहले अपने को इस चीज़ का पता लग जाता है कि ये जो चिमनी देखने को मिल जाती है, 4-4 चिमनियाँ जो दूर से ही नज़र आ जाती है, इसको देखते ही आइडिया लग जाता है कि भाई बठिंडा आ गया है, द हार्ट ऑफ पंजाब। बठिंडा क्रॉस करते ही कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आ जाता है, इधर देख सकते हैं आप इस तरफ भाई, बहुत ऑप्शन है, मतलब आपको डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरफ। वैसे तो यार मेरे जो दोस्त है वो आज शिमला पहुंच जाएंगे, गाड़ी का रूफ टॉप टेंट तो पहाड़ों में खुलेगा, जहाँ खुलेगा वहाँ आपको दिखाएंगे। वैसे इससे हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम कहाँ टेंट खोलेंगे या हमने ऐसा कुछ प्लान किया है, अभी तो बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं किया है। बाकी सामान मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सामान में डाल के आया हूँ, आटा भी लाया हूँ, अपने मिर्च मसाले, एक्स्ट्रा जो फूड है, जो रेडी टू ईट वाला फूड है, बहुत सारी चीज़ें मैं साथ कैरी करके लाया हूँ। तो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। और स्लीपिंग बैग आप देख सकते हो पीछे, बहुत सारा सामान पड़ा है गाड़ी में, इसमें मैं 3-3 स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ, एक मेरा है, दो वो आगे जो दोस्त मेरे गए हुए हैं उन लोगों का स्लीपिंग बैग है।
जस्ट थोड़ी सी देर में संगरूर आ जाएगा और इस तरफ देखिए बच्चे रनिंग वनिंग भी कर रहे हैं और एक तरफ देखिए चावल की खेती हो रही है। दूर दूर तक आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत वाला। ज्यादा दूर नहीं है शिमला, वैसे थोड़ा सा अगर मैं अर्ली मॉर्निंग चलता तो एक दिन में ही हम शिमला पहुंच सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, आज जल्दबाजी किस काम की। रात में वैसे भी पहाड़ी रास्तों में मजा नहीं आता यार, क्योंकि वो होती है ब्यूटी और जिस चीज को हम शूट करने के लिए जा रहे हैं, और वो अगर हम रात में ऐसे ही निकाल देंगे तो क्या मजा आएगा यार। इसलिए कल जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ के आपको दिखाएंगे पहाड़ों की ब्यूटी। जैसे हम पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो ना वहां पे एक कोई ऐसी जगह आ जाती है ताकि हमारा उस व्यू को देख के रुकने का मन कर जाता है। बट यार ऐसे रस्तों में आप कहाँ रुकोगे, पंजाब में क्या है खेती बाड़ी, उसके अलावा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसा मन नहीं करता है कि कहीं रोके। फिर यहाँ तो ऐसा ही रहता है कि जल्दी 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 ड्राइव करें। जैसे मनाली जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से पहाड़ आ जाए, फिर भी मनाली तक पहुंचने के बाद अच्छे नज़ारे शुरू होते हैं, उसके बाद कहीं घूमने का मजा आता है। लेकिन अगर जब हम इस रूट पे जा रहे हैं, मतलब ये रूट मेरे लिए शिमला वाला काफी, मतलब कह सकते हो कि नया सा ही है, क्योंकि लास्ट में जब गया था तो 10-11 साल पहले गया था, करीब 10 साल तो बीत गए हैं इस बात को। तो इस रूट में भी कह सकते हैं कि चंडीगढ़ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट ही चलने में फायदा है, उसके बाद कुछ व्यू आने लगेंगे तो हम रुकेंगे, रुकते रुकते जाएंगे, कुछ व्यू के नजारे लेंगे। ये कोई ढाबा आया है तो भाई यहाँ रुकते हैं और चाय ब्रेक लेते हैं। भाई बहुत हो गया, अभी जितना भी किलोमीटर रहता है कोई अच्छे ढाबे वाबे मिलते नहीं है, तो यहाँ रुक के चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा स्टे लिया है चाय के लिए, ऑर्डर दिया है चाय और मैंने समोसे का बोला था, लेकिन समोसा तो नहीं हो पाएगा, ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा, तो ब्रेड पकौड़ा आएगा तो उसका वेट कर रहे हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, चाय पीते पीते अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। आप अभी रास्ता चेंज हुआ है थोड़ा सा, ये नीचे की तरफ तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है चंडीगढ़ को और ऊपर की तरफ जा रहा है दिल्ली को। अभी मैं जस्ट चंडीगढ़ पहुंचने वाला हूँ भाई, इधर काफी अच्छे खासी ठंड देखने को मिल रही है। और ये वाली जगह क्या है, जीरकपुर पहुंच गए हम। मोस्ट ऑफ टाइम इवनिंग में तो तगड़े वाला ट्रैफिक रहता है, इधर से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। बाकी यार इधर ही किधर ही देखेंगे, रोड पे कहीं हमें होटल मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो रूम मिल चुका है मेरे को शिमला रोड पे, मैंने ये रूम लिया है। ये रूम है, उधर वॉशरूम है, ये टीवी है, इनका तो कौन यूज करेगा। और इधर की साइड में शायद व्यू होगा बाहर का। यहाँ वो देखो नीचे की साइड में अपनी गाड़ी खड़ी है, अगर दिख रही है तो। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट। टिल देन लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, ये इस सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें, प्यार देते रहें।